सो गाइज मैं हो चुका हूँ एकदम रेडी नहा धोके। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ मार्केट। मैं मार्केट जाता हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा। मैं मार्केट जाता हूँ, फिर कुछ लेके आता हूँ, फिर करते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, छोटा मोटा ही सही, लेके आता हूँ, मिलते हैं फिर। सो गाइज मैंने यहाँ पर जो है रख लिया है, हमारे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये चेयर भी एकदम पता नहीं कैसी है, सिंहासन पूरा का पूरा सिंहासन है। तो ये मैंने कुछ सामान इकट्ठा कर लिया है। हाँ, तो छोटी सी एक सेलिब्रेशन रखते हैं हम। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ओह, ये अभी डिब्बा टूट गया, देखो ये बस जस्ट गिरने वाला था। मैं पेस्ट्री लेके आया हूँ क्योंकि केक का हमारा बजट नहीं था, केक का तो पेस्ट्री से काम चलाएंगे। और वैसे भी मुझे अकेले तो सेलिब्रेट करना है, कोई है भी नहीं साथ में। और ये है वन फर्स्ट ईयर है ना एनिवर्सरी हमारे चैनल का, तो उसके लिए। एंड इसके बिना तो ये अधूरा है, लेकिन पता नहीं इसके चम्मच का ये एक ऊपर है, ये निकला हुआ है, आप देखिए ये और जो एक दूसरा उसने दिया वो ये टूटा हुआ है। और हमारे यहाँ की ये वाली माचिस सबसे ज़्यादा चलती है, उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, ये वाला माचिस सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। तो चलिए काटते हैं। पता है गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर ज़्यादा पेस्ट्री नहीं थी उस भैया के पास में, तो जो वाला बटर स्कॉच फ्लेवर था वो मैंने वही ले लिया क्योंकि वैसे मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। बट खैर मैंने तेल ही लिया है क्योंकि कोई है ही नहीं साथ में, तेल में भी मैं ऑफ कोर्स नहीं खाने वाला हूँ पूरा क्योंकि जिम की वजह से। तो मैं इसको निकालता हूँ फटाक से। इंटरा ये लग गया है, मैं इसका डिजाइन दिखाऊं आपको तो ये है अभी डिजाइन दिख जाता अच्छे से अब। लेकिन कैंडल फर्स्ट एनिवर्सरी है तो एक तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि किस पे लगाऊं, थोड़ा लाइटिंग लगाते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। देखिए लाइटिंग में थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका कलर गिर जाएगा ना तो अच्छे से हो जाएगा। चलो मैं अब कैंडल लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं किस पे लगाऊं? अच्छा ऐसे एक आपका उल्टा तो नहीं पड़ रहा, आपका तो ऐसे एक बनेगा, लेकिन फिर इस तरफ डिजाइन ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेना। ओके मैं बीच वाले पे लगा दे रहा हूँ, रेडी है। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी टू मी टू माई चैनल, मेरी एनिवर्सरी नहीं हमारे चैनल की, आप सब लोगों को। अब ये आएगा कि पेस्ट्री का मर्डर होगा, मेरे मुझे केक निकल रहा है, केक लिया भी नहीं। तो ओके हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल में जितने भी लोग हो जुड़े हो, आप सब लोग हमेशा से जुड़े आए हो, आप सब लोग मेरे साथ, आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं बुझाता हूँ ये, क्लैप कर, आप सब लोग प्लीज क्लैप कीजिए, कोई मुझे देखेगा तो पागल समझेगा, कहेगा अकेले ही सेलिब्रेट कर रहा है। चलिए अब हम काटते हैं, ठीक है। हालांकि वो पहले से कटा हुआ है, पेस्ट्री है तो आपके लिए। हैप्पी फर्स्ट यूट्यूब चैनल एनिवर्सरी गे प्रेम। अच्छा है, पता है गाइस, कभी कभी ना पापा की बहुत याद आती है मुझे, एंड समटाइम्स आई मिस हिम अ लॉट। खैर तो आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया जो आप सब लोग मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, आप लोगों ने इतना सब्सक्राइब किया, तो दिल से थैंक यू जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया उनको स्पेशली, और जो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बट फिर भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी दिल से थैंक यू। और वैसे कर लोगे तो अच्छा रहेगा, सब्सक्राइबर्स नंबर बढ़ जाएगा। बट खैर
तो आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट रखिएगा एंड हमारा मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब अकेले सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बट या आप लोग हो ना मेरे साथ, बस मेरे लिए यही बहुत है सर। नेक्स्ट ईयर जो सेकंड एनिवर्सरी होगा तब शायद मैं अकेले ना सेलिब्रेट करूं, ये उम्मीद करता हूं। दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया। आप जितने भी लोग मतलब एक साल में ना इतने भी सब्सक्राइबर ना बहुत मुश्किल से होते हैं, जितने आप सब लोग मेरे साथ जुड़े और जितना भी आप सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए दिल से थैंक यू। मुझे कई बार नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं बट ठीक है, मतलब 1-2% में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, वेले बैठे होते हैं, उनका कोई काम तो होता नहीं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे वीडियो के नीचे लिख जाए तो उनका गुस्सा निकल जाएगा, तो उस तरह का वो शायद सोचते हैं, तो उससे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट चलो हमारी वजह से किसी का गुस्सा शांत हो रहा है तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज है, तो उसके लिए कम से कम उनको थैंक यू बोलना चाहिए था। है तो यार जितने भी लोग हैं ना, मैं मतलब एक साल हुआ एंड मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। तो इस वीडियो को चले खत्म करते हैं एंड इस बार तो मैंने अकेले सेलिब्रेट किया है बट शायद अगली बार मैं अकेले नहीं करूंगा, तो ठीक है देखते हैं क्या होता है। एंड इस साल हमें 2023 में तो बहुत ज्यादा ग्रो करना है अपने चैनल के लिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा एंड हम चाहते हैं कि हम और लोगों को ऐड कर पाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है तो इस वीडियो को चलिए खत्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लिटरली, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए बाय बाय।